मैं मुसाफिर हूँ, आपसे हुई हर एक मुलाकात का शुक्रिया, आपकी कही हुई हर एक बात का शुक्रिया, आप जो दे रहे हैं मुझे उस साथ का शुक्रिया। और मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैं फिर सफ़र पे निकल चुका हूँ। अभी मैं आनंद विहार में हूँ और जल्दी ही यहाँ से कहाँ निकलूँगा वो मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ घूमा और क्या क्या किया, मस्ती मौज सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे मैं आपको कहाँ पहुँचूँगा दिखाता हूँ। अभी तो मैं आनंद विहार में हूँ फ़िलहाल। सफ़र स्टार्ट हो चुका है वादियों की ओर दोस्तों। ट्रेन चल पड़ी है आनंद विहार से, मस्त फूल खिले हैं, मस्त माहौल, मज़ा आ रहा है। जैसे ट्रेन चली हवा भी चलने लग गई तो मन और भी ज़्यादा आनंदित हो रहा है। देखिए ट्रेन में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। ट्रेन निकल चुकी है आनंद विहार टू लालकुआ, तो अब वहाँ से कहाँ सफ़र होगा इसका अभी कुछ भी पता नहीं है। आगे के सफ़र के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि सफ़र कहाँ तक जाता है। विहार से लेकर चंपावत तक का सफ़र काफ़ी मस्त रहा, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। तो आप देखते हैं चंपावत। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं गोलजू मंदिर के लिए, ये चंपावत में है। मेरे साथ मिस्टर दीपक गड़कोटी जी हैं, बड़े भाई। तो अभी हम जा रहे हैं न्याय के देवता गोलजू मंदिर। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये न्यायप्रिय देवता थे काफ़ी। तो अभी भी लोग जब कोई भी फरियाद लेके जाते हैं, कोई दुखी लोग, परेशान लोग, तो वो उनकी फरियाद सुनते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो आज के व्लॉग में आपको गोलजू मंदिर और भी आगे कई जगह यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं चंपावत में, जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में, चलिए आगे चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के करीब और मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने, मैं जूम करके आप लोग को दिखाऊँगा। ये देखिए मंदिर दिखने लग गया है। अब हम पहुंचने वाले हैं गोलजू मंदिर में, तो आज जाएंगे गोलजू मंदिर में। ये रास्ता शायद ऊपर से है, तो देखते हैं इधर से ही रास्ता दिख रहा है। गेट से सीधे आ जाइए, अगर आपको यहाँ पर आना है तो सीधे आना है, कहीं मुड़ना नहीं है, इसी रोड को पकड़ के सीधे आपको आते रहना है। तो देखिए मस्त फूल खिले हुए हैं, बाहर आई हुई है, सारे पेड़ों में फूल खिले हुए हैं। आजकल मौसम इतना अच्छा है, अगर बाहर से कोई लोग घूमने आते हैं यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये डॉगीज भी भौंक रहे हैं हम पे, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। देखिए घंटियों की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो पहुंच चुके हैं हम गोलजू मंदिर में, देख सकते हैं ये है गोलजू मंदिर। तो घंटियों की आवाज आने लग गई है, काफी लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं न्याय के देवता गोलजू का मंदिर है ये। देखिए यहाँ एंट्रेंस है ये, तो घंटी बजाते हैं पहले आगे बैठते हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है गोलजू का।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये पूरी गोलजू की कहानी है। यहाँ पर पूरा उनका जन्म कैसे हुआ और क्या क्या था वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। स्थानीय मान्यता के अनुसार कत्यूरी वंश के शासक झालाराय की 7 रानियाँ थीं। 7 रानियों से कोई संतान उत्पन्न नहीं होने के कारण झालाराय अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन भैरव को राजा ने स्वप्न में कहा, मैं आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। संयोगवश राजा ने कालिका नामक राजकुमारी से 8वां विवाह किया। 8वीं रानी गर्भवती होने पर अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यावश अन्य रानियों ने प्रसव के होते ही 8वीं रानी के नवजात शिशु को जानवरों की गोठ में डाल दिया। गोठ मतलब जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, वो लोकल वर्ड है गोठ, तो गोठ कहा जाता है। गोठ में डाल दिया तथा शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया। 7 रानियों ने प्रसूता माँ तथा राजा को विश्वास दिला दिया कि रानी ने सिलबट्टे को ही जन्म दिया है। नवजात शिशु को गोठ में सुरक्षित देखकर क्रोधवश अन्य रानियों ने उसे एक लोहे के संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। मतलब जब वहाँ पर उनने देखा रानियों ने कि बच्चा अभी यहाँ पर सुरक्षित है, तो वो दोबारा बच्चे को उठाकर संदूक में नदी में बहा आई। यह संदूक एक निर्धन निसंतान मछुआरे के हाथ लगा, मछुआरे को ये मिला, तो उसने उसमें बंद शिशु को बाहर निकाला तथा उसका पालन पोषण किया। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन यह बालक जलाशय के पास जाकर काठ के घोड़े को पानी पिला रहा था। मतलब एक लकड़ी का घोड़ा, काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा बना के उसको पानी पिलाने लगा रानियों के सामने। तब वहाँ मौजूद राजा की 7 रानियों ने उसे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इसके प्रत्युत्तर में बालक ने कहा कि जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। जब यह जानकारी राजा को पता चली तो उन्होंने उस बालक को दरबार में बुलाकर सारा वृत्तांत सुना। अपनी रानियों के कुकर्मों को जानकर राजा ने उन्हें बंदीगृह में डालने का आदेश दिया। बालक ने उन्हें माफ़ करने का अनुरोध किया। यही बालक बड़ा होकर ग्वेल, गोरिल, गोलजू, भैरव, अवतारी आदि नाम से न्याय के देवता के रूप में विख्यात हुआ। गोलजू का मंदिर चंपावत जिले के गोरल चौड़ में स्थित है। ये गोरल चौड़ में है, लेकिन उत्तराखंड में काफ़ी जगह गोलजू के मंदिर और भी हैं। ये मुख्य मंदिर यहाँ पर गोलजू का है, तो इनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है गोलजू को। तो गोलजू के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आपका जब भी कभी यहाँ आने का मन करे आप कभी भी आ सकते हैं। चंपावत में मार्केट के काफ़ी नज़दीक है। चंपावत जो मुख्य मार्केट है उसके आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप कभी भी आ सकते हैं। और ये इस तरफ धर्मशाला बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो मुख्य मंदिर है अभी मैंने सामने से दिखाया था और आपको दिखाऊंगा। तो ये है न्याय के देवता गोलजू का मंदिर, देख सकते हैं। माना जाता है कि गोलजू के पास अगर कोई किसी को अन्याय हुआ है किसी के साथ, वो न्याय की फरियाद लगाते हैं, तो उनके साथ अभी भी गोलजू न्याय करते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर पूजा हो रही है, दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अंदर पुजारी जी बैठे हुए हैं, वहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर लगभग सब कुछ दिखा चुके हैं, तो आप आगे बैठते हैं। अगला कहाँ पर जाना है अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, अगला डेस्टिनेशन कहाँ रहेगा। ठीक है, गड़कोटी जी की फरमाइश है कि इनका फ़ोटो क्लिक किया जाए, मैं इनका फ़ोटो क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम निकल रहे हैं। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आगे कहाँ जाना अभी कुछ नहीं पता है, जहाँ भी जाएंगे आगे ब्लॉग पर आप बने रहिए। और भी चंपावत की जो फेमस जगह है आज वहाँ सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बालेश्वर मंदिर की प्राचीन हस्तकला को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स।